मराठीत बोलूया, मराठीत पॉलिटिकल नाही आहे, मराठीत बोलतो पण पॉलिटिकल नाही. एक माझ्या जिल्ह्याच्या संदर्भात आहे. आपण जेव्हा हे बोलतो की आपल्या या शहरामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट का होत नाही, का मोठे इंडस्ट्रीज इथे म्हणजे खूप चांगला इन्फ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको एक सामने एक होर्डिंग नजर आती है जो इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है. ये इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक होर्डिंग है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कितने मिलियन स्क्वायर फीट, 1 मिलियन स्क्वायर फीट शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स की बिक्री चालू है, 1 मिलियन स्क्वायर फीट. ये होर्डिंग आपको क्रांति चौक के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे. तो सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स लेना चाह रहे थे तो वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साहब हमको प्लॉट चाहिए वहां पर और वहां पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है MIDC के. तो हमने एक मरतबा जाके है तो पूरा शेंद्रा का विजिट किए और वहां जाके देखने के बाद समझ में आया कि मतलब बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं वहां पे. क्या वजह है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है? तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है. ये कितने करोड़ों में जा सकता है ये इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं. मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि शेंद्रा के अंदर, और ये कब से चला आ रहा है अगर आप मैटर अगर आप देखेंगे तो शेंद्रा के अंदर 2006 में 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर एकड़ नहीं, 110 हेक्टर जमीन जो है वो शेंद्रा 5-स्टार इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अलॉट की गई थी. किसको अलॉट की गई थी? तो अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया को अलॉट की गई थी. वहां पर उन्होंने ये बताए थे कि हम एक SEZ यहां पे लेके आ रहे हैं. SEZ काय का लेके आ रहे हैं? तो फार्मास्यूटिकल का हम एक SEZ लेके आ रहे हैं. उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, 110 हेक्टर जमीन अपने नाम के ऊपर अलॉट करके लिए. कितने में जमीन मिली उनको? 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको जमीन मिली. बताए कि SEZ आने वाला है, हम इतने हजार करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके पूरे परमिशन सबमिशन लेके आए. बाद में उन्होंने ये था कि 110 हेक्टर एक ही जगह के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 हेक्टर एक जगह के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर 10 हेक्टर उन्होंने ऐसा करवा लिए. 2007 के अंदर उनको परमिशन मिल गई SEZ स्टार्ट करने के लिए. और फिर उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर, 2007 परमिशन मिल गई, 2017 के अंदर उन्होंने ये किए कि साहब वहां पे है तो 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है, किसान हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो विरोध के चलते है तो हमारा डिफिकल्ट जा रहा है करके 30 एकड़ के ऊपर, 110 हेक्टर के अंदर से 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है करके. गवर्नमेंट ने बोले ठीक है 30 एकड़ का जो है वो हम किसानों को वापस कर देते हैं. वो किसान लोग खेती कोर्ट में भी गए, कोर्ट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, वो 30 एकड़ किसानों को वापस कर दिए. 2017 के अंदर इन्होंने ये बोला कि मतलब हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं. इसके अंदर देखिए कितने सारे, इतने जो 2006 से लेकर 2008 तक के अंदर कितने सारे उद्योग मंत्रियां आए हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं सबका है तो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है. अब आप 2006 के अंदर कौन थे, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर कौन थे? तो 2017 के अंदर इन्होंने
ये किया कि भाई पूरा एसईजेड हम कैंसिल कर रहे हैं करके, तो इन्होंने है तो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज करे और बोले हम ये एसईजेड कैंसिल कर रहे हैं करके। और वो एसईजेड अकेले सिर्फ इन्होंने नहीं किए, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के अंदर एसईजेड के नाम के ऊपर जमीने 100 रूपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए थे, बाद में है तो ये पूरे के पूरे 50% एसईजेड जो है वो कैंसिल कर दिए कि भाई ये एसईजेड नहीं हो रहे है, कुछ ना कुछ बहाना करके। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन्होंने तो दो जमीन तो ले लिए, एमआईडीसी का रूल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप एक छोटा इंडस्ट्री डालना है या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री डालना है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर है तो आपने इतना कंप्लीशन कर लेना करके, वरना उसके बाद पेनल्टी लगती है। आप ओपन प्लॉट तो रख ही नहीं सकते, ये उनका एमआईडीसी का रूल ही है, नियम ही है। 2007 से लेकर 2017 तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि ये अजंता प्रोजेक्ट्स नाम की इनकी जो कंपनी थी, मेसर्स अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, अब उसके नाम पे अलॉट हुआ था, अजंता फार्मा इन्हीं की कंपनी है, नाम बड़ा है, तो इन्होंने क्या किए कि अप्लाई किए कि साहब हमारे को हमारा नाम चेंज करने का है, और उन्होंने अपना नाम चेंज करवाए इंस्पिरा INSPIRA इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिमिटेड, उन्होंने ये नाम चेंज करवा लिए। अब चेंज जब कराए उन्होंने तो उन्होंने ये बोला कि एसईजेड कैंसिल हो गया है, हम एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम वहां पे लेके आ रहे हैं करके। उसमें तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वो वहां पे लेके आ रहे थे, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका ये उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोले कि हम 80% जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 20% जो है वो हम उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए हम यूज करेंगे उसमें। अब जो चेंज करना है उनको लैंड का स्टेटस चेंज करने का है, तो वो स्टेटस चेंज करने के लिए एमआईडीसी के अंदर फिर से जाना पड़ता है कि अब एसईजेड की जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके। तो वो मीटिंग हुई और उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग हुई और उसके अंदर उनको ये अलॉट किया गया। 2017 तक जो आदमी ने तो एक इंच भी है तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसको और एडिशनल लैंड दे दी जाए करके। ये 2017 के अंदर क्यों किया गया कि जो लैंड इसकी आ रही थी वो लैंड के अंदर से समृद्धि हाईवे जा रहा था, तो समृद्धि हाईवे का कंपेंसेशन भी उसको मिले, उस हिसाब से ये लैंड को है तो फिर से है तो रीड्रॉ किया गया। और जो समृद्धि के अंदर जो लैंड जा रहा था वो लैंड का कंपेंसेशन भी उसको मिल सके, तो वो हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और वो एग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि 75% जो कंपेंसेशन आएगा वो 75% जो है वो इंस्पिरा को जाएगा और 25% कंपेंसेशन जो है वो एमआईडीसी को मिलेगा। जमीन किसकी? जमीन एमआईडीसी की तब तक। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा बना दिया गया कि 75% जो भी आएगा उसके अंदर। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसका एमआईडीसी से पता करूं कि इसका कंपेंसेशन कितना आया है करके, तो वो डॉक्यूमेंट यहां पे बताया जाता है कि साहब बंबई में है, बंबई में बताया जाता है कि नहीं साहब हमारे पास नहीं है वो फाइल, वो तो औरंगाबाद के अंदर ही है करके। और वो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है करके रफली उन्होंने बताया है, लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता उसमें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए है कि वहां पर उनको जो जमीन एसईजेड की जगह दूसरा प्रोजेक्ट के लिए आई है तो उसको माइग्रेशन फी देना पड़ता है। तो सुभाष देसाई साहब ने अपनी जो एमआईडीसी की कमेटी थी उनके साथ बैठ के 46 करोड़ रुपीज इनको देना था, तो 46 करोड़ को उन्होंने डिवाइड किए, हम तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में तुम हमको पैसा दे सकते हैं करके, 11-11 करोड़ रुपए के हिसाब से
चार इंस्टॉलमेंट दे देने का उसमें। अभी तक ये बंदे ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए भरा है, बाकी के पैसे नहीं भरा है। जीएसटी आज छोटी सी चीज के लिए है तो लागू है, छोटी से छोटी चीज के लिए। तो उसने सरकार को पत्र लिखा और बोला कि साहब मैं जीएसटी नहीं भरूंगा करके। उन्होंने बोले ठीक है जीएसटी में आप मत भरिएगा करके। उसमें जो टोटली मतलब अगर आप छोटा सा भी अगर प्लॉट लेंगे तो आपको जीएसटी इसके अंदर ऐड करना है। एमआईडीसी है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए भी है तो जीएसटी इंक्लूड करके देता है। अब सबसे मजेदार बात यह है, ये साहब ने वहां पर है तो प्लॉटिंग करना शुरू किया लैंड एमआईडीसी की, और वहां पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं। जो जमीन उन्होंने 100 रुपये स्क्वायर फीट से लिए थे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, अब वहां पर मैं आते आते अभी क्रांति चौक के ऊपर से भी मतलब वो होर्डिंग का एक फोटो लेके आया है, आप भी ले सकते हैं, लगा तो मैं भी आपको। ये फोटो है क्रांति चौक के ऊपर लगी हुई है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर आने के बाद ये होर्डिंग लगी हुई है, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा बोल के उन्होंने, और क्या लिखे है उसके ऊपर, 1 मिलियन स्क्वायर फीट सोल्ड। 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बेच चुके हैं करके उन्होंने लिखे है। इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल एट शेंद्रा विद गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अप्रूव्ड मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान जो बनाया है वो कितने का है, 232 एकड़ का अप्रूव मास्टर प्लान बनाया गया है। एक एक प्लॉट की साइज है 4200 स्क्वायर फीट से लेके 10000 स्क्वायर फीट एक एक प्लॉट की, और एक प्लॉट की कीमत पर स्क्वायर फीट क्या है, प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 रुपीज स्क्वायर फीट, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इसका हम ऑनवर्ड्स है, यानी कि जो जमीन तुमने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एसईजेड डेवलप करने के लिए यहां के किसानों की जमीन तुमने लिए ये बोलकर कि हमको इंडस्ट्री यहां पे लेके आने का है, वहां पर तुम है तो आज 700 रुपये स्क्वायर फीट से। आपको उनका एग्रीमेंट अगर पढ़ेंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा ये है कि अगर आपको वहां पे 4200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का है तो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्लॉज डाले है कि इंस्पिरा अगर बेचना चाह रहा है किसी को तो एमआईडीसी को बताने की जरूरत नहीं है, एमआईडीसी को किसी को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट है तो इंस्पिरा आपको है तो रजिस्ट्री करके दे देगा। लेकिन अगर आपने अगर ले लिए वो प्लॉट, आप उसके मालिक हो गए और अगर आप दोबारा किसी को बेचना चाहे तो आपको एमआईडीसी के पास जाना पड़ेगा, यानी कि इंस्पिरा आपको बेच सकता है बगैर किसी झिझक के, एमआईडीसी को इन्फॉर्म भी नहीं करने का है। उसके अंदर उन्होंने एक करे है यानी फक्त एमआईडीसी ला इन्फॉर्म कराएगा। मैंने एमआईडीसी से पूछा कि कितने 1 मिलियन स्क्वायर फीट तो बिक चुका है, आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने प्लॉट गए हैं, किस किस को गए हैं करके, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास एक भी प्लॉट की जानकारी नहीं आई है, कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने प्लॉट उन्होंने बेचे हैं। हमको भी ये होर्डिंग से पता चल रहा है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट 700 रुपये के हिसाब से। अब 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मेरा गणित तो इतना अच्छा नहीं है, अब आप उसको 700 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए जो ऑलरेडी बिक चुका था है, और ये सिर्फ 232 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका 232 ये उनके एडवर्टाइजमेंट के उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। उसमें अब सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं जो मैं चाहूंगा कि आपने तो इसको, ये एक फ्रॉड तो ठीक है ये फ्रॉड हो गया है, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि एथर नाम की कंपनी यहां पर आने वाली थी और उसका खूब गाजा बाजा किया गया था। एथर की जो स्कूटर आती है उसके लिए खूब गाजा बाजा किया गया था, उसका पूरा क्रेडिट है तो लेने के लिए।
तो उस वक्त 30 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, यहां के सीएमआई की और एथर के पूरे जितने भी बड़े ये थे, उनको औरंगाबाद पसंद आ गया था। उनको जमीन चाहिए था कितनी, 860 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, 860 करोड़ रुपए। और उनको जमीन चाहिए थी शेंद्रा के अंदर, तब उनको यह बोला गया है कि शेंद्रा के अंदर हमारे पास जमीन है ही नहीं, आप भी दूसरी जगह जाए। अभी पिछले एक महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको, टोयोटा कंपनी के बड़े अधिकारी यहां पर विजिट करने के लिए आए, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। उसके अलावा इको लैब नाम की एक कंपनी है, इको लैब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे करना चाह रही, लेकिन उनकी कंडीशन थी कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। और ये उठे सूखे लेके जा रहे हैं और लेके जाके हैं तो हमको बिड़किन के अंदर, बोल रहे हम यहां पे नहीं दे सकते, आप बिड़किन के अंदर ये करोगे, बिड़किन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ऑलरेडी बेच चुके हैं, आपने लिए 100 रुपए के हिसाब से, जितनी कीमत आपकी खरीदने के लिए गई उससे ज्यादा पैसा आपने समृद्धि के अंदर जो रोड गई है उसके अंदर आपने कमा लिए हैं। अब ये जितना भी है ये पूरा है तो इनका प्रॉफिट है। और इसके अंदर मेरा साफ तरीके से आरोप है कि उस वक्त के जो भी ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मीटिंग का जो है इसके अंदर मिनट्स है कि कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर मौजूद थे और मिनिस्टर उस वक्त जो थे वो आपके सुभाष देसाई साहब थे। और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि इनको अलाउड कर दिया जाए, ये एमआईडीसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो मीटिंग ली गई थी वो मीटिंग के अंदर थे सुभाष देसाई मंत्री, प्रवीण रामचंद्र पोटे पाटी राज्य मंत्री, सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव, शिवाजी दौंड महाव्यवस्थापक लघु उद्योग विकास महामंडल, संजय सेठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआईडीसी और बाकी उनके एमआईडीसी के जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, ये सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इंस्पिरा को प्लॉटिंग करके बेचने की अनुमति दे दी जाए करके उसमें। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास इंडस्ट्री के लिए लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप कितना भी कुछ भी कर ले, शेंद्रा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन जो बना है वो हमारे पास बना है। और हम ये दावा कर रहे थे कि साहब सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वो हमारे पास है, और उसके बावजूद भी अब अगर टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, इकोलैब जैसी कंपनी को हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, तो ये 4,000 से 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट किसको बांटे जा रहे हैं और क्यों बांटे जा रहे हैं? एमआईडीसी ने जैसे ही एसईजेड कैंसिल हुआ था, उन्होंने वो पूरी जमीन वापस लेना चाहिए था, 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर जमीन मुझे काया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, एक एकड़ के अंदर 44,000 स्क्वायर फीट, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं। और उसको है तो ओपनली ये एडवर्टाइजमेंट करके अगर ये बोल रहा है कि मैं 700 रुपये स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स से आप आके हमारे पास से प्लॉट लेके जाइए, जो जमीन का एक्चुअल मालिक जो है वह एमआईडीसी की है, तो उसमें कितने करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ होगा मुझे आप ये बताइए। फिर कहां से हमारे पास इंडस्ट्री आने वाली है? फिर क्यों आपने किसानों को बोले हैं कि भैया हम उद्योग लेके आने वाले हैं यहां पर? अगर आपको एसईजेड नहीं करना था, आपने एसईजेड को फौरन कैंसिल करना था, वो जमीन वापस लेना था, इनको बोलना था कि आपने फ्रेश अप्लाई करिएगा, आपको जो भी है तो करने का है करके। लेकिन एसईजेड कैंसिल होने के बाद भी 2020 तक उनको जमीन और अलॉट की गई,
एसईजेड नहीं आने वाला, लेकिन उन्होंने बोले साहब हमारी 30 एकड़ चले गई है ना, उसके अंदर वो किसान लोग हैं तो आप विरोध कर रहे थे करके, तो उनको दूसरे सेक्टर के अंदर 10 हेक्टर जमीन अभी दी गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन लोग हैं इसके पीछे। ये तो मतलब अगर ईमानदारी के साथ अगर सरकार के अंदर ये है तो ईडी और सीबीआई तो इनके पीछे लगाना चाहिए, एमआईडीसी के बड़े बड़े अधिकारी का इसके अंदर अंदर जाना चाहिए। जो मंत्रियों ने ये फैसला लिए है बैठ के, अब ये कैसा फैसला है मुझे ये बताइएगा कि आप जीएसटी माफ कर दो, ये कहीं पे हो सकता है कि जीएसटी माफ कर दो और मंत्री ने फैसला ले लिया है कि जीएसटी माफ कर दिया जाए करके, फिर उसके बाद तुम खरीद सकते हैं। एमआईडीसी को कोई रोल नहीं है, एमआईडीसी का उन्हें अपनी जागीर समझ के आपके नाम के ऊपर प्लॉट ट्रांसफर कर दिया। आपको जब बेचना है तो आप एमआईडीसी के पास जाके आपको है तो एमआईडीसी की फीस भरना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसफर फ्रॉम इंस्पिरा टू एनीबडी उसके अंदर किसी को कोई ये नहीं है। ये बाजाबता एग्रीमेंट इस तरह के साइन किए गए। उसके बाद अभी नया वो पेपर कहां है अभी जो ये 8/12/2023 को, भाई प्लॉट काय के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है ना, तुमने वहां पे रेसिडेंशियल के लिए मांगे है क्या? नहीं है। तो इसके अंदर रेरा ने इनको है तो एक मीटिंग इसके लिए बुलाया है, इनकी हियरिंग के लिए। डॉक्टर वसंत प्रभु सेक्रेटरी है इसके महारेरा के, इन्होंने बुलाया इंस्पिरा रियलिटी को और उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमको आके ये बताइएगा कि तुम यहां पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे को क्या क्या परमिशन है। तो महारेरा को उन्होंने लिखित के अंदर दिया, द प्रमोटर सबमिटेड दैट द लैंड इन क्वेश्चन इज एन इंडस्ट्रियल प्लॉट मेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड नॉट रेसिडेंशियल और कमर्शियल। उन्होंने लिख के दिया है, एक तरफ ये लिख के दिया है कि साहब हम तो जमीन दिला रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल होगी, और दूसरी तरफ ये लिख के दे रहे हैं कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इसको हम कमर्शियल के लिए नहीं बेच रहे हैं और ना हम इसको रेसिडेंशियल के लिए बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गिरी पड़ी हालत के अंदर, मतलब हमने एक रफली एस्टिमेट किए हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट इंटू अगर हमने 700 रुपए कम से कम भी अगर करते हैं तो वो 70 करोड़ रुपए जा रहा है जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें। और 1 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि कुछ हेक्टर जमीन इसके अंदर गई है, बाकी का जो है वो अभी भी है। समृद्धि का जब उन्हें इंडस्ट्री ही नहीं चालू करा है तो समृद्धि का कंपनसेशन उसको 75% दिया जाए, ये एग्रीमेंट के अंदर है। 75% कितना है कंपनसेशन? आप एक प्लॉट ले लीजिएगा उसमें एमआईडीसी से या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने है तो 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एमआईडीसी से लिया हूं, तो नियम यह कहता है 2019 के बाद का एमआईडीसी का नियम यह कहता है कि 2 साल के अंदर कम से कम 40% कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए करके, 40%। 2019 से पहले का अलग कानून था, 2019 के अंदर उन्होंने एक नया कानून लेके आए हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 2 साल, तुमने प्लॉट जिस दिन तुम्हारे को अलॉट हो गया उसके 2 साल के अंदर 40%। आज तक एक सादी ईंट तक वहां पे डाली नहीं गई है उनके प्रोजेक्ट की, और ऐसा इसी औरंगाबाद के अंदर और एक एसईजेड है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा ही बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है, उसका पेपर ही नहीं मिल रहे। यहां के अधिकारी बोलते रहे हैं कि साहब वो फाइल बंबई गई है, बंबई वाले बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास फाइल तो आई नहीं है, आप यहीं पे चेक करवाइएगा करके। अब अगर ये मामले अगर ऐसे रहे तो क्या हमने कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाके ये बताना? आपने खुद ने देखे है परसों के दिन क्या हुआ है करके, दो बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ मैंने एक स्टोरी देखा है कि एक लैंड का कन्वर्जन कैसा कर दिया गया है, इतना सा लैंड है इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया, आपके डॉक्टर करार साहब का और पालक मंत्री साहब का
दोनों ने लेटर दिए कि भैया इसका स्टेटस चेंज कर डालो, उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये जमीन इतनी सी है जिसको हाईकोर्ट ने ये किया है। ये तो साहब किसानों के साथ चीटिंग है, ये तो हमारे पूरे जितने रीजन के अंदर लोग हैं, मतलब एमएसएमई वाले अपनी जमीन मांग रहे हैं, छोटे छोटे जो एमएसएमई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मी डायरेक्टली एमआईडीसी कडून काय जमीन घेऊ शकत नाही, हे कोण बीच में दलाल तुम्ही आणलेले आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे इन्स्पिरा नावाची कंपनी कोणाची, अगरवाल नावाचे कोणते अजंता अजंता फार्मा जे कंपनी आहे त्यांचे मालक आहे, म्हणजे ते डिटेल्स मध्ये जेव्हा आले ना की पत्र व्यवहारामध्ये, तर ते अगरवाल नावाचे जे हे आहे मोठा माणूस आहे ते, तर त्याच्या त्याच्या नावाने हे कोणाचं नाव काय म्हणतो अगरवाल अगरवाल एमडी आहे पहिले पहिले ते एमडी आहे, काय नाव पूर्ण पूर्ण नाव विजय अग्रवाल असेल, विजय अग्रवाल नसेल ना वेगळा असेल, नाही इन्स्पिराचे जे मालक आहे ना त्यांच्या वतीने नाही का त्यांचं एक हे साईन करायला त्यांनी एक अपॉइंट केलेले आहे, अजंता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर, मला माझ्या देखे मेरे मेरे लिए है तो ये मायने नहीं रखता है कि वो उसका मालिक कौन है करता, मैं कंपनी वही तो होगा शायद विजय अग्रवाल इसके लिए विजय अग्रवाल इतना सारा चल रहा था वो तो नहीं नहीं आता अजंता अजंता जैसा मध्य मीडिया मैंने स्पष्ट लिहिलेले आहे कि अजंता इन्फ्रास्ट्रक्चर अजंता एक सेकंड अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड हे या नावाने सगळं जे चेंजेस होते, मतलब मैं अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अगर दूं तो आपको हैरानी होगी कि मतलब इतना ब्लेटेंट कि पूरा वेव ऑफ कर डालो, जीएसटी वेव ऑफ कर डालो, तुमको इंस्टॉलमेंट में देने का है तो 2007 से इंस्टॉलमेंट के अंदर 44 कर तुमको देंगे क्या, कोई अगर जेन्यूनली अगर किसी को एक छोटी सी इंडस्ट्री डालने का है एमएसएमई वालों को बोलिएगा या एसएमई वालों को बोलिएगा तो तुम्हारे को ये सब प्रोविजन देंगे क्या कि साहब मैं जीएसटी नहीं भरना चाह रहा हूं, तो उन्होंने बोल देंगे कि हाँ ठीक है मत दीजिएगा करके, म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ज्या प्रकारे हे सगळं इतना ब्लेटेंट किया गया था। और मैं अगर समझ लीजिएगा, मैं आपको इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि चिकनखाना पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अगर किसी ने बेचा है तो माझा व्यक्तिगत काही नाही आहे, पण सुभाष देसाईचं नाव सहित मी सांगितलं होतं की सुभाष देसाईने कमीत कमी या शहरातून 1000 कोटी रुपये 1000 कोटी आणि त्यांचे कोणकोण दलाल होते मला सगळं माहित आहे, कोणकोणते बिल्डर हे दलाली करत होते, आज तुम्ही चिकलठाण्याला जाऊन बघू शकता की काय झालेलं आहे, इंडस्ट्री संपलेली आहे तिथे सगळं कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल, आणि त्यावेळी जेव्हा मी हे आरोप केलं होतं तर सुभाष देसाई साहेबांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की मी इम्तियाज अलीलवर आगू नुकसानीचा दावा ठोकेल, त्याच्यानंतर 3 मी ट्वीट केलं होतं की देसाई साहेब मी वाट बघत आहे तुमच्या नोटीसची, मी स्वतः ट्विट केलं होतं, हर 3-4 दिवसानंतर मी त्यांना ट्विट करायचं, त्यांना त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आणि त्यांना सांगायचं की साहेब मी तुमची वाट बघत आहे करते, आणि याच्यामध्ये हे निर्णय घेताना तुम्ही होते कोटे साहेब होते हे जेव्हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, तर मेरा देखिए अगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अगर नहीं डेव्हलप अगर होगा तो हमारा रोजगार कहां पे आने वाला है, टोयोटा जैसी कंपनी एथर कंपनी एथर जैसी कंपनी आप अगर यहां पर शेंद्रा के अंदर लाना चाह रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती लादना चाह रहे हैं कि साहब जाइए आप बिड़किन के अंदर जाके ये करिए, नहीं इंटरेस्टेड है उनका, उनको ये चाहिएगा कि साहब हम एयरपोर्ट से उतरेंगे हमारे को तो शेंद्रा है तो कन्वीनियंट होता है तो वहां पे ये कराई, आणि त्याच्या बाबतीत दुर्दैव मला हे वाटतं की इंडस्ट्रीज असोसिएशन इतकी मोठी बॉडीज असून सुद्धा तुम्ही कशाला गप बसलेले आहे, हे माझं काम थोडी आहे, हे तुमचीही जबाबदारी आहे ना, एमएसएमईची इतकी मोठी एक संघटना आहे बॉडी आहे ते का गप बसलेले आहे, हे तर ब्लेटंट असं हे चाललेलं आहे, सीएमआय नावाची एक मोठी बॉडी आहे ते का ओपनली येत नाही की साहेब आमचा इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट थांबलेला आहे या अशा प्रकारच्या भांगडीमध्ये,
अब मेरे सामने सिर्फ ये है कि कितनी मरतबा हम अदालत के अंदर जाएंगे और ये सब चीजें निकाल के लेके आएंगे और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के ही अगर डाकुओं अगर है तो ये सब इस तरह कर रहे हैं, तो मैं जाऊं किसके पास? मला स्पष्टपणे सांगतो कि जेव्हा मी हे मुद्दा उपस्थित केला होता लास्ट टाइमला, तर काही दिवसानंतर तेच मुद्दा ते अतुल भातखळकर जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते, विधानसभेचा अधिवेशन सुरू होता तर त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेसला सांगितलं की असा असा हे कारभार झालेला आहे आणि सुभाष देसाईने आणि त्याच्या मुलांनी हे केला. मग त्याचा 8 दिवसानंतर सुभाष देसाई साहेबांचा मुलगा कुठे गेला? नाही, भाजपमध्ये. एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्याच्यानंतर ते पण गप्प बसले. म्हणजे आपने खुद मीडिया के सामने बोले की साहब इसने हमें चोरी किया है करके, वो चले गए एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके है तो साथ में मिल गया है, तो खत्म आपका पूरा मामला. यहाँ जो SEZ घोटाला है पीटीचा असू शकेल टोटल सर? हमने देखिए, मेरा मोटा दिमाग जितना चल रहा था, हमने सिर्फ है तो जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट इसने बोला है कि भाई हमने बेच दिए है करके, और उसने खुद ने है तो अपने एडवर्टाइज उसके अंदर रेट लगाया है, वो एड आप छाप दीजिएगा उसके अंदर, तो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का है तो 70 करोड़ रूपये तो वैसे भी उसने कमा लिया है करके. 230 एकड़ का होता है, 230 पूरा पकड़ा गया कितना हो गया? नहीं, अभी अभी तो बेचने वाला नहीं ना भाई साहब. अभी फिलहाल क्या है कि मुझे जानकारी उस वक्त मिली होती कि लैंड ओनर MIDC है, इन्होंने इसके अंदर क्लॉज लिखे है कि MIDC का तुम्हारा काही सांगण्याची आवश्यकता नहीं है, तुम सब बेचने बिचाने के बाद है तो MIDC को सिर्फ इन्फॉर्म कर देने का कि हमने इतनी जमीन है तो हमारी ये कर दी है करके. MIDC ची कोणतीही परमिशन नहीं. आता इंस्पिराला मी खूप प्रयत्न केले, हमने फोन लगवाए उनको कि साहब कितने में मिलेंगी जमीन है? तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ कंपेंसेशन का फिगर अभी MIDC वालों ने बताना चाहिए कि साहेब ते इंस्पिरा मध्ये जे जागा गेलेली आहे कंपेन्सेशन किती आलं होतं? तुम्ही एका लोकप्रतिनिधीला याचं उत्तर देत नाही. आता विधानसभेचं अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये उचलायला पाहिजे होतं, आणि सगळीकडे पूर्ण शहरामध्ये असे होर्डिंग्स त्यांनी लावलेले आहेत. एक विषय तुम्ही असं म्हणता की महारेराकडे ही लोक गेली, इंडस्ट्रीयलचं रेसिडेन्शियल करता येत नाही, त्यांनी लिहून दिलं, परंतु सध्या इंफ्रा जी विकते ते इंडस्ट्रीयल पर्पज साठी विकते ना, पण पर्पज कुठे चेंज झाला? त्यामध्ये काही पर्सेंट कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल पण आहे ना, 80-20 केलं ना? 80-20 हा. आणि त्यांनी काय सांगितलेले आहे की सबमिटेड द लँड इन क्वेश्चन इज एन इंडस्ट्रीयल प्लॉट मेंट फॉर इंडस्ट्रीयल पर्पज अँड नॉट रेसिडेन्शियल और कमर्शियल. तर ऍक्च्युअल काय इंडस्ट्रीसाठीच आहे का? फक्त इंडस्ट्रीसाठी त्यांनी. पण त्यामध्ये काहीतरी आजच हे पेपर माझ्याकडे आलेला आहे, त्यांचे सेक्रेटरी आहे डॉक्टर वसंत प्रभू, त्यांच्या सह्याने हे पत्र आहे की साहब वो हमारी मीटिंग के लिए भी नहीं आ रहे हैं करके. उन्होंने क्लियर लिखा है द प्रमोटर रिमेन्ड एबसेंट इवन दो द नोटिस ऑफ हियरिंग एंड द लिंक फॉर द हियरिंग वॉज ड्यूली सर्व्ड अपॉन द प्रमोटर. कशाला बोलला तुम्हाला? तुझ्या सगळ्या मंत्र्यांना मी पैसे दिलेला, तुझ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिले, आता तू पण मला बोलायला? तो ये डॉक्टर प्रभू ने है तो लिख के दिए है कि उसको बार बार बुलाने के ऊपर भी वो आ नहीं रहा है करके. उसमें सुभाष देसाई का दूसरा घोटाला है, सुभाष देसाई का दूसरा घोटाला है. आता काय है कि 2006 पासून चाललेला आहे, म्हणजे नियमाप्रमाणे काय व्हायला पाहिजे होतं की SEZ कॅन्सल झाला, MIDC ने तुरंत ते लँड परत घ्यायला पाहिजे होतं. आता तुम्ही तुम्हाला नवीन काही टाकायचे असेल तर तुम्ही फ्रेश प्रपोजल द्या, आम्ही तुम्हाला फ्रेश लँड अलॉट करतो. आजपर्यंत 2006 पासून आज 2024 आहे. SEZ 2017 आजपर्यंत त्यांनी एक साधी ईट टाकली नाही. नियम काय म्हणतो? 2019 नियम आहे ना, 2019 नियम आपण पकड धरलं तर 2021 पर्यंत कमस कम 40% कन्स्ट्रक्शन त्यांनी करायला पाहिजे होतं. मेधा पाटकरनी तर आंदोलन केलं, मेधा पाटकरनी त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन केलं होतं, येई जमीन के ऊपर है तो मेधा पाटकर आई थी और मेधा पाटकर के डर की वजह से है तो इनको है तो ये पूरा है तो निकाल के देना पड़ा. लेकिन उस वक्त का मामला ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया कि भैया हम नहीं. तुमने 2020 तक
2020 के अंदर नए एग्रीमेंट्स किए उसको कि नहीं, हम तुमको और जगह दे रहे थे करके उसको। ये देखिए, दो सितंबर 2022 को वती ने जे काम पहात होते ना, त्यांचे नाव आहे सुशांत प्रकाश दिवसकर। सुशांत प्रकाश दिवसकर हे साइनिंग ऑथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पिरा इन्फ्रास्ट्रक्चर। निवडणूक आता हा विषय संपवूया।